सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले शराब माफिया के मंसूबों को ऊना विजिलेंस की टीम ने नाकामयाब कर दिया है। विजिलेंस ऊना की टीम ने ऊना के पुराना होशियारपुर रोड पर फर्जी परमिट पर शराब की ढुलाई कर रहे एक ट्रक को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। विजिलेंस की टीम ने ट्रक से 900 पेटी देसी शराब बरामद की है। शुक्रवार देर सायं गश्त के दौरान विजिलेंस की टीम ने ट्रक को पकड़ा था, जिसके बाद एक्साइज विभाग की जांच में शराब का परमिट फर्जी पाया गया। विजिलेंस की टीम अब ये जानने में जुटी है कि शराब का इतना बड़ा जखीरा क्या परमिट पर लिखी फैक्ट्री से ही निकाला है और परमिट पर लिखे L13 पर ही उतरना था। वहीं विजिलेंस ये भी छानबीन कर रही है कि इससे पहले भी फर्जी परमिट पर ऐसे शराब की सप्लाई होती रही है और शराब माफिया कब से इस तरह सरकारी राजस्व को चपत लगा रहे हैं। वहीं पकड़ी गई शराब की बोतल में संख्या देखी जाए तो यह 10,800 बोतल बनती है। वहीं मिली लीटर में पकड़ी गई शराब की मात्रा 81 लाख है। विजिलेंस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामले के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। ट्रक में लदी शराब अवैध देसी शराब बताई जा रही है। हालांकि परमिट के आधार पर माने तो ये जखीरा सिरमौर जिला की एक शराब फैक्ट्री से निकला है और ऊना के L13 पर जाना था। हालांकि इसके शराब फैक्ट्री से आने और L13 ले जाने तक की सत्यता की जांच में भी विजिलेंस की टीम जुटी हुई है। DSP विजिलेंस अनिल मेहता ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शुक्रवार देर शाम विजिलेंस की टीम जिला मुख्यालय के पुराना होशियारपुर रोड पर गश्त पर थी। इसी दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार में आता दिखा। चालक की लापरवाही ड्राइविंग के चलते विजिलेंस की टीम ने उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी। जांच करने पर ट्रक में शराब की बड़ी खेप लदी हुई पाई गई। हालांकि विजिलेंस टीम द्वारा मांगे जाने पर चालक ने शराब के संबंध में एक परमिट भी दिखाया, लेकिन जब विजिलेंस ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर उस परमिट की सत्यता की जांच की तो वो फर्जी पाया गया। इस मामले में फर्जी परमिट पर शराब ढुलाई कर सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान लगाए जाने की भी घटना सामने आई है। वहीं प्रदेश में शराब माफिया के बड़े स्तर पर सक्रिय होने का भी खुलासा हुआ है। DSP अनिल मेहता का कहना है कि विजिलेंस की टीम ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज हमारी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊना पुलिस स्टेशन की टीम गश्त पे थी तो एक ट्रक जो ओल्ड होशियारपुर रोड पे आ रहा था तेज रफ्तारी से, उसको रोका गया, जिसके पूछने पर उसने बताया कि उसने लिक्वर लोड किया हुआ है, जिसको पूछने पे उससे लिक्वर के संबंधित दस्तावेज मांगे गए, जिनको एक्साइज विभाग द्वारा वेरिफिकेशन के बाद जाली पाया गया है और उसके बाद अब आरोपी चालक को हिरासत में लेके उसके अगेंस्ट विभिन्न धाराओं पे कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरह से ये बिना कागजात के जो है वो शराब पकड़ी गई है, तो क्या विजिलेंस ये भी जांच करेगी कि क्या पहले भी इससे इस तरह की गाड़ियां जो है वो निकल चुकी हैं? जरूर, हम हर इस विषय में हर पहलू पे जांच की जाएगी, कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था और इससे पहले भी क्या कुछ ये ऐसी कोई दारू की सप्लाई यहाँ पे कर चुका है, इसके बारे में जांच डिटेल में जांच की जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।